हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिवा फार्मासिस्ट। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पोविडोन आयोडीन क्रीम के बारे में। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। और हाँ, अगर ऐसे ही फ्री में मेडिसिन का रिव्यू और हेल्थ टिप्स एंड ट्रिक्स देखना है तो अभी हमारा इस चैनल यानी शिवा फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टैप कर देना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको बताया कि आज का ये वीडियो है पोविडोन आयोडीन के ऊपर। तो दोस्तों, ये क्या है पहले बता देता हूँ। दोस्तों, पोविडोन आयोडीन है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक क्रीम। तो दोस्तों, इसका काम क्या है, तो जो भी हमारे बॉडी में अगर कोई चोट वगैरह आ गया और उसके बाद जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों, उसको कम करने के लिए या फिर बैक्टीरिया को किल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अभी बात करेंगे दोस्तों, प्रॉपर यूज क्या है पोविडोन आयोडीन का। दोस्तों, आप देखे होंगे बहुत सारे लोग इंजर के बाद कोई एक पीली कलर सा क्रीम लगाते हैं। और आप देखे होंगे दोस्तों, अगर किसी का कुछ इंजरी हो गया, जैसे कि कोई चोट आ गया, घाव का कहीं पर भी घाव हो गया, कहीं आप खेल रहे हो और गिर गए और जिसके वजह से चोट आ गया, या फिर कोई काम कर रहे हो इसके वजह से चोट आ गया, एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई भी चोट में जो खून बहता है दोस्तों, और इसमें जो पहला आप बोल सकते हो कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट अगर कहीं भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो दिया जाता है दोस्तों, एक पीली कलर सा क्रीम लगाया जाता है या फिर इसका लोशन लगाया जाता है। तो यही होता है दोस्तों पोविडोन आयोडीन। दोस्तों, पोविडोन आयोडीन एक अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है। जैसे कि अगर आप ऑइंटमेंट का बात करोगे तो 10 से लेकर 200 ग्राम तक का इसका जो है आ जाता है दोस्तों स्ट्रेंथ में। या फिर अगर बात करेंगे आप सॉल्यूशन लेते हो या फिर लोशन लेते हो तो इसका 500 ml तक आता है। अभी बात करेंगे दोस्तों इसका, जैसे कि अलग अलग यूज होता है। अगर माइनर इंजरी है या फिर ऐसा कुछ है तो आपको क्रीम दे दिया जाता है पोविडोन आयोडीन का और आप इसे लगाते हो। या फिर किसी का सीवियर इंजरी है तो यहाँ पर जो भी डॉक्टर जो ड्रेसिंग करते हैं दोस्तों, ड्रेसिंग करते टाइम ये लोशन का यूज कर सकते हैं या फिर ये ऑइंटमेंट का यूज कर सकते हैं या फिर ये जो है पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि इसका पाउडर भी आता है तो इसका भी यूज किया जाता है। और जो पोविडोन आयोडीन का पाउडर है दोस्तों, ये बहुत जल्द ही आपका घावों को सुखाने में मदद कर लेता है अगर कंपेयर करेंगे लोशन से। अभी बात करेंगे दोस्तों इसका अलग अलग ब्रांड नेम। जैसे कि बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि ये पोविडोन आयोडीन है क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका कुछ ब्रांड नेम। जैसे कि बीटाडीन ऑइंटमेंट, वकाडीन ऑइंटमेंट, सिप्लाडीन ऑइंटमेंट या फिर ओविडीन ऑइंटमेंट के नाम से आप इसको जानते ही होंगे। तो यही होता है दोस्तों पोविडोन आयोडीन, मतलब ये सब में पोविडोन आयोडीन ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये अलग अलग ब्रांड बनाते हैं तो अपने हिसाब से ये नाम रखते हैं। और ये जो है येलो कलर का होता है तो इसके लिए इसको पीली दवा भी बोलते हैं, मतलब पीली वाली ऑइंटमेंट। आप बहुत लोगों से सुना होगा कि ये पीली वाली ऑइंटमेंट लगाया तो हमारा घाव सही हो गया। तो यही होता है दोस्तों पोविडोन आयोडीन। और ये जो है छोटे छोटे इंजरी से बहुत ही राहत देता है, बहुत जल्दी भर देता है। और इवन ऑपरेशन थिएटर में यानी ओटी में भी डॉक्टर इसको यूज करते हैं घाव को साफ करने के लिए, क्योंकि ये एक इतना अच्छा एंटीसेप्टिक है, बहुत जल्द जितना भी बैक्टीरिया होता है सबको किल करता है और आपको घाव को सुखाने में मदद करता है। अभी बात करेंगे दोस्तों इसका साइड इफेक्ट्स क्या रह सकता है। वैसे इसका कोई इतना साइड इफेक्ट्स नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर किसी को इसका साइड इफेक्ट्स हुआ तो क्या क्या हो सकता है दोस्तों। इसका त्वचा में जलन हो सकता है, आंखों में जलन हो सकता है, झुनझुनी महसूस हो सकता है या फिर चमड़ी पर लाल लाल चकत्ते या लाल लाल दाने आ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो जल्द से जल्द आप जाके अपने डॉक्टर से बात करिए और ये क्रीम को लेना बंद करिए। अभी बात करेंगे दोस्तों अगर कोई मतलब किसको इसको नहीं लेना चाहिए, कौन सा पेशेंट इसको ना ले। दोस्तों, अगर आपको कोई भी एंटीसेप्टिक से एलर्जिक है तो आप एक बार डॉक्टर से पूछ के इसको लेना है, या फिर आप आयोडीन से एलर्जी है तो भी आप इसको लेने से एक बार अपने डॉक्टर से पूछिए। अगर आपको टाइफाइड है तो भी इसको लेने से बचिए या फिर डॉक्टर से पूछ के ही लीजिए। और इसके साथ साथ थायराइड है या फिर गुर्दों की बीमारी है तो भी इसको लेने से पहले डॉक्टर से पूछ के इसको लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे था पोविडोन आयोडीन क्रीम के बारे में, लोशन के बारे में, और इसको लगाना कैसा है, मतलब दिन में ये आपके इंजरी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप एक बार भी लगा सकते हो, दो बार भी लगा सकते हो। जितना ज़्यादा मतलब यूज किया जाता है दोस्तों इसका ड्रेसिंग के सेंस में यूज किया जाता है। अगर किसी का चोट आ गया और ड्रेसिंग के लिए जो यूज किया जाता है दोस्तों, तो ये पोविडोन आयोडीन है। और इसके साथ साथ अगर किसी को छोटा मोटा सा चोट भी आ गया और जिसमें खून बह रहा है तो भी आप पोविडोन आयोडीन का यूज कर सकते हो, ठीक है। और बस इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा आपको, रिप्लाई कर दूंगा। मैं जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करता हूँ कि हर किसी का कमेंट का जो है रिप्लाई करने का।
तो दोस्तों मैं आपका भी कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन से मेडिसिन के ऊपर देखने चाहते हो इसका भी आप अगर चाहे तो कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही फ्री में मेडिसिन का रिव्यू, हेल्थ टिप्स एंड ट्रिक्स हर रोज मिलने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, पूरे वीडियो वॉच के इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।